एक कमरे के अंदर परेशान हालत च हैरान कर देने वाली गल्लां दस रही ये औरत ते मौके ते पहुंच के तफतीश कर रही पुलिस। पहाड़ां ते जाना इस परिवार को बेहद भारी पै गया। इन्हां नाल पिछों जो कुछ वापरिया वो सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गया। पहला तुसी देखो ये सीसीटीवी वीडियो ते फिर थानू दसदे हाँ सारा मामला। मामला है जलंधर पछमी दे न्यू दियोल नगर का, जिथे ये परिवार एक प्रोग्राम से अपने पिंड हिमाचल प्रदेश गया होया सी। बीती रात 10:30 बजे जब परिवार वापस परत्या तो घर के अंदर का सीन देख परिवार के जिया के होश उठ गए। तो बस हूँ अब जस्ट एंट्री हुई 10:30 बजे इतने पहुंचे, जब बाहर का गेट खुले तो खुल गया, अंदर गेट खोलने के गेट खुले मिले हैं खुले ही, अंदर आई लाइट जगा के गए एक बार लाइट इंडिकेटर वास्ते बार लाइट जगी वो भी बंद मिली सू। तो साडा जिहड़ा ये है अपना इंटरनेट का जिहड़ा साडा सिस्टम लगे वो भी उन्हें निकाल के बाहर रखते आया कैमरे शक दे कर है, कैमरे है नहीं लेकिन उन्होंने शक सी कैमरे ना होने तो उन्होंने नैट भी बाहर कढ़े होया। कितना नुकसान हो गया सर? देखो 50,000-60,000 रुपया नुकसान मोटा मोटी, बाकी दिख भी नहीं सके जैसे एंट्री हुई थी पूरा दिखे नहीं हिसाब था। कदों आए तुम घर कदों पहुंचे वापस? जस्ट हूँ पहुंचे एंट्री हुई है जुटे भी नहीं खुले। पुलिस की कह रही है? पुलिस कहती भी हूँ आई है पुलिस अभी एंट्री कंप्लेंट लिखा। इस मामले च पुलिस का कहना है कि वह सीसीटीवी फुटेज खंगाल के जल्द चोरों को काबू करने की कोशिश करेगी। सू कंट्रोल तो फोन आया से दिनेश शर्मा संदीप रामचंद शर्मा 48A न्यू दियोल नगर ये रात के समय हुई चोरी तो इन्होंने मतलब इन्होंने कंप्लेट ली आ। बाकी कितना नुकसान होया सर? लगभग 50-60,000 का नुकसान होगा। सोना तो नकदी? हाँ सोना तो नकदी। हुण देखण वाली गल ये है कि पुलिस किन्नी छेती चोरों नूं लभ के सलाखा पिछे भेजदी है तो पीड़ित परिवार के चोरी हुए समान नूं वापस तो आउंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट हकीकत टीवी पंजाबी जलंधर।